लेकर पधार जाते हैं। आप पधारें और अपनी जो पुस्तिका है उसके बारे में, प्रताप के बारे में मंच पर अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करें। आप थोड़ा सा उस तरफ चले जाओ। आप ये 483 बहुत लंबा है, बस वहीं तक करें और बस इतना लंबा ना करें। और ये घर बैठ के और इस तरह की कई अनुपम कृतियां हमेशा ये करते रहते हैं। पिछली बार भी सूक्ष्म पुस्तिका का किया था। चित्तौड़ा साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ सभागार की और मंच ओर से आपका अभिवादन करती हूँ, माननीय चित्तौड़ा साहब। की कड़ी में हम फिर कभी रस ऐसे होने जाते जिनकी वाणी आपको इतनी गूंज के साथ सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कि पहाड़ी कंदराओं में कहीं शेर गरज रहा है, पहाड़ी कंदराओं से कहीं नागर की गूंज आ रही है। आदरणीय बड़े ही मान सम्मान के साथ गिरिजी विद्रोही साहब अपने कि जब वो मंच पर आते हैं, जब वो माइक के समक्ष होते हैं तो सिर्फ वो आवाज होती है, सभी उसमें रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय कवि श्री गिरिजी विद्रोही भाई साहब, आपका आशीर्वाद है। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज के उस परिसर आंगन में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं नागर साहब को याद करता हूँ 1989 में साथ मैंने आकाशवाणी में कर लिया। मैं उनकी